तो गाइस मैं आपको पॉइंट नंबर वन में बताता हूँ, अगर आप कभी भी इस वाले बार हाउस में आ रहे हो, आप लोगों ने देखा होगा ये गटका के थोड़े आगे आता है अगर आपको याद हो तो गाइस इस वाले हाउस में बहुत ज्यादा रश होता है, आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा यहाँ पे अक्सर एंड जोन बनता है। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि अगर इसके ऊपर कोई बंदा कैंप कर रहा है और अगर आपके पास नेट्स नहीं है या फिर आप नेट्स मार रहे हो, बंदा मर भी रहा है, तो आपको उसको कैसे सरप्राइज अटैक करना है, तो गाइस आप यहाँ पे चढ़ सकते हो कुछ इस तरह से। आपको पहले क्या करना है, एक फॉर अपनी सेफ्टी के स्मोक कर देना है, स्मोक नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वैसे भी नहीं देख पाएगा आपको। बस गाइस ये जो रेलिंग्स है यहाँ पे जो फेंस है, आपको इसके साइड में कुछ इस मैनर में चढ़ना है और यहाँ पे ऐसे जंप करनी है। और गाइस बस आप देख सकते हो मैं इस शैक के ऊपर आ गया और मैं बंदे का वेट कर रहा हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो कितने इजीली मैंने इस बंदे को पीछे से मार दिया, इस बंदे को बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा। अक्सर एंड जोन यहाँ पर बनता है और मेरे एक्सपीरियंस से यहाँ पे मैंने बहुत फाइट ली है, तो ये चीज आपके काम आ सकती है। तो चलो गाइस अब मैं आपको पॉइंट नंबर टू बताता हूँ। तो गाइस मैं आपको पॉइंट नंबर टू में बताता हूँ, ये जो टू स्टोरी है इसको ब्लू बिल्डिंग भी हम लोग बोलते हैं कुछ लोग, जो लोगों के ब्रिज के सामने आती है। तो गाइस अगर इस पे कोई बंदा आप देख सकते हो सेकंड फ्लोर पे कैंप कर रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ आप इसको कैसे सरप्राइज अटैक कर सकते हो, इस बंदे को बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा। ये ट्रिक नई नई आई है क्योंकि जब से लेज ग्रब आया तब से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं उन जगह पर जहाँ पर हम नहीं चढ़ पा रहे थे। तो आपको क्या करना है, बस ये शेक का दरवाजा ऐसे खोलना और गाइस बूम आप देख सकते हो यहाँ पे मैं चढ़ गया लेज ग्रब का फीचर यूज करके, और फिर आप इजीली यहाँ से भी ऐसे चढ़ जाओगे। तो आप देख सकते हो गाइस मैंने इतनी इजीली इस बंदे को यहाँ से नॉक कर दिया, इस बंदे को अंदाजा नहीं होगा कि कहाँ से आ गया, अगर फुटस्टेप्स भी आ रहे होंगे तो गाइस ये ट्रिक आप यूज कर सकते हो ये वाली स्टोरी पर डायरेक्ट वहां से जाने के लिए। आपको क्या करना है, बस जो शेक है उसका दरवाजा खोलना है, आपको इस पर जंप करना है और फिर आपको सीधा टू स्टोरी पर आप जा सकते हो यहाँ से, तो ये आप ट्राई कर सकते हो। तो चलो गाइस अब मैं आपको पॉइंट नंबर थ्री बताता हूँ। तो गाइस मैं आपको पॉइंट नंबर थ्री में बताता हूँ, एक मिलिट्री बेस की बहुत ही ज्यादा ओपी ट्रिक है, ये आपके बहुत काम आ सकती है क्लासिक मैचेस में और कहीं पर भी। तो ये ट्रिक से क्या है कि आपको अभी मैं करके दिखाता हूँ, अगर आप कभी भी जा रहे हो यहाँ पे किसी बिल्डिंग में, आप देख सकते हो ये जो सी बिल्डिंग्स होती है और इस तरह से इस पोजीशन पे कोई बंदा कैंप कर रहा है, तो मैं अभी आपको दूसरी बिल्डिंग में करके दिखाऊंगा कि इस ऐसे बंदे को मारना कैसे है। अभी मैं आपको दिखा दूंगा आपको करना कि आपको बस छत पे आना है ऐसे करके, और आपको छत का क्या करना है, पीछे से जंप करना है स्प्रिंट और फिर जंप का बटन एक और बार देख सकते हो, आपको बस स्प्रिंट करना और जंप का बटन एक और बार दबाना, तो जो विंडो होती है ये वहाँ पे लेज ग्रैब फीचर जो आया उसका यूज करके सीधा सेकंड फ्लोर पे आ जाएगा। तो मैंने एक प्रीवियस वीडियो में भी अपनी ट्रिक बताई थी, बट ये ट्रिक उससे भी ज्यादा अच्छी है, तो ये चीज भी आप ट्राई कर सकते हो। तो चलो गाइस अब मैं आपको पॉइंट नंबर फोर बताता हूँ। तो गाइस मैं आपको पॉइंट नंबर फोर में एक छोटी सी ये टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं, बट थोड़ी सी एक स्टैटिक्स बताता हूँ, मतलब एक थोड़ी सी आप यहाँ पे चालाकी कर सकते हो। आपको क्या करना, जब भी आप ड्रॉप लूटने जा रहे हो, आपको लग रहा है कि ड्रॉप पे बंद नहीं होता, वहाँ पे क्या करो, एक गैस कैन ड्रॉप कर दो। तो गाइस इससे क्या होगा, आप हालांकि गैस कैन नहीं भी ड्रॉप करते हो और आप वेट करते हो बंदे का ड्रॉप पे आने का, तो हो सकता है कभी आपके शॉट्स मिस हो जाए और वो बंदे आपको अपने रिफ्लेक्सेस से मार दे, बट आपकी श्योरिटी के लिए आप क्या करो, वहाँ पे जाके गैस कैन ड्रॉप कर दो। तो अगर आप मारते मारते गैस कैन पे भी मारोगे, आप देखो तो देख सकते हो गाइस मैंने सिर्फ गैस कैन पे मारी एक बुलेट, ये तो ऑन थी तो एक बुलेट से फट गया पूरा गैस कैन, बट अगर आपके पास एआर है तो आप पहले से तीन गोली मार के रखो, चौथी गोली में वो गैस कैन फाड़ दो और उन पे मारते मारते गैस कैन पे लग जाएगा, तो आप ज्यादा इजीली उनको टेक डाउन कर सकते हो। तो चलो गाइस अब मैं आपको पॉइंट नंबर फाइव बताता हूँ। तो गाइस मैं आपको पॉइंट नंबर फाइव में एक ट्रिक बताता हूँ कोचिंग की, थ्री स्टोरी की बहुत ही कमाल की ट्रिक है। जब भी आपके बंदे टेरेस पे रश कर रहे हैं तो ये ट्रिक आप वहाँ पे यूज कर सकते हो। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ आपको बस करना क्या है, अगर आप कभी भी कोचिंग की थ्री स्टोरी पे जा रहे हो तो आपको पता होगा कि ये जो ऊपर जो सेक्शन है उस पर नहीं जा सकते, बट अब हम जा सकते हैं। आपको क्या करना है, बस यहाँ पे जंप करना है और इस एंटीना पे ऐसे जंप करना है ऐसे करके, और गाइस बस स्प्रिंट का बटन दबा के आपको जंप करना है। आप देख सकते हो मैं इसके ऊपर भी एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे आने का क्या फायदा होगा गाइस, आप यहाँ पे आओगे तो आपको बंदे देख ही सकते हैं, दूर से आपको भी देख लेंगे, बट अगर थ्री स्टोरी पर बंदे रश हो रहे हैं, आप अपनी स्क्वाड के अकेले बचे हो, तो आप यहाँ पर छुप जाओगे तो बंदे बिल्कुल एक्सेस नहीं कर पाएंगे जब भी वो थ्री स्टोरी में रश मार रहे हैं। आपको बस वेट करना है बंदे का ऊपर आने का सही टाइम का। तो देख सकते हो गाइस मैंने इतनी इजीली इस बंदे को नॉक कर दिया। तो ये ट्रिक आप यूज कर सकते हो पूछेंगे कि थ्री स्टोरी में इसके ऊपर जाने का, ये सिर्फ तब आपके काम आएगी जब आप यहाँ पर थ्री स्टोरी पे अकेले बचे और आप पूरी स्क्वाड रश मार रही है। अक्सर आप कहीं डब्बे के पीछे छुप जाते हो या कहीं और छुप जाते हो, बट वहाँ पे वो लोग आपको नेड़ वेड़ करके टेक डाउन कर लेते हैं। तो अगर आपके थ्री स्टोरी के नीचे से फुटस्टेप्स आ रहे हैं अपने स्क्वाड के अकेले बचे हो, तो आप उस एंटीना पे जाओ और वहाँ से उसके ऊपर जो सेक्शन है वहाँ पे जंप करो, ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हो। तो चलो गाइस अब मैं आपको पॉइंट नंबर सिक्स बताता हूँ।
तो गाइस मैं आपको पॉइंट नंबर 6 में बताता हूं स्क्वाड हाउस की एक बहुत ही कमाल की ट्रिक, बहुत ओपी ट्रिक है। जैसा कि आपको पता होगा इस तरीके के स्क्वाड हाउस पे अक्सर रश होता है, या तो हम रश कर रहे होते हैं या तो हम पर रश होता है। तो जब भी अगर आप रश कर रहे हो स्क्वाड हाउस पे, आपको फुटस्टेप्स आ रहे हैं ऊपर से, आपको लग रहा है टेरेस से बंदा है, तो गाइस आपको क्या करना है, बस इस गेट पे आना है। तो गाइस आप देख सकते हो कितने इजीली मैंने इस बंदे को लॉक कर दिया। तो आपको क्या करना है, बस गेट पे आना है, जंप का बटन दबाना है, तो वो बंदा जो लेज ग्रैब का फीचर है उसका यूज करके गेट पे चढ़ जाएगा।